ईरान जनरल सुलेमानी के मारे जाने के बाद से ही इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसके लिए वो रॉकेट और ड्रोन का सहारा ले रहा है। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए ही अमेरिका ने सऊदी अरब के अलखर्ज एयरबेस को चुना है, क्योंकि इस जगह से अमेरिका के कई मकसद पूरे होते हैं। ईरान इस जगह पर ड्रोन और रॉकेट हमले नहीं कर सकता, क्योंकि इस जगह से ईरान काफी दूर पर है। अगर ईरान कोई ड्रोन भेजता भी है तो उसे सऊदी अरब के आसमान में लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ऐसे में अमेरिकी लड़ाकू विमान और रडार लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उसे गिरा देंगे। दूसरी ओर ईरान सऊदी अरब की जमीन पर मिसाइल हमले की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। इसके साथ ही इस जगह से अमेरिका फारस की खाड़ी में ईरान की निगरानी भी कर सकता है। एक तो वो हवाई अड्डे को भी उनके कुछ एक उड़ा सकता है, और दूसरा कोई इंडिविजुअल के ऊपर वार करे जिससे कि उनके ऊपर सैन्य तक शक्ति कम हो जाए, वो भी वो ड्रोन के तरीके से कर सकते हैं। इराक में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ईरान के रॉकेट और ड्रोन है, जिससे अमेरिकी ठिकानों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। सऊदी अरब में ऐसा खतरा नहीं रह जाएगा। इसके साथ ही अलखर्ज जैसी जगह पर मजबूत अमेरिकी बेड़ा ईरान के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। सऊदी अरब उसका बहुत ही दोस्त है और उसको बहुत आसानी से बेस मिल जाएगा, और फौज उसकी पहले ही उधर इराक के अंदर है, इसलिए उसके वो बगदाद से हमला करना थोड़ा ठीक नहीं लगता।